हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक ठुकराल और आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेटरीज चैप्टर। ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम थ्योरम्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के नाम में ही छुपा है फोर साइडेड फिगर। क्वाड्स मतलब फोर और लेटरल मतलब साइड्स, तो बन गया ना फोर साइडेड फिगर। अब इसके फोर साइड्स होते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी। इसमें जो फोर साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, बाद में फोर एंगल्स हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। फोर वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। अब ऑपोजिट साइड्स हैं ए डी और बी सी ए बी और सी डी। अब ऑपोजिट एंगल्स भी होंगे अगर ऑपोजिट साइड्स है, तो ऑपोजिट एंगल्स है एंगल ए एंगल सी और एंगल बी एंगल डी। अब अगर ऑपोजिट साइड्स और एंगल्स है तो एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स भी होंगे, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स है ए बी। अब ए बी की एडजेसेंट साइड होगी ए डी और बी सी, और यहाँ पे सी डी इसके एडजेसेंट साइड्स होंगी सी बी और ए डी। ऐसी बाकियों के भी एडजेसेंट साइड्स होगी। अब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो इक्वल साइड शेयर करते हैं, जैसे कि एंगल ए एडजेसेंट होगा एंगल बी के और एंगल डी के, वैसे ही एंगल सी एडजेसेंट होगा एंगल डी और एंगल बी के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे, और ये पैरेलल साइड्स के बेसिस पे है। सबसे पहले ट्रेपेजियम है और बाद में पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है, अब ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ओनली पैरेलल। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बस एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ही पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ए बी सी डी ट्रेपेजियम में कि ए बी और सी डी ही पैरेलल है, और यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेमार्केशन भी करी हुई है कि क्वाड्रिलेटरल विद ऑल टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे ए डी और बी सी इक्वल है और ए बी और सी डी इक्वल है और पैरेलल भी है। तो यहाँ पे और भी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम यहाँ पे इसके डायगोनल्स बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब पैरेललोग्राम के भी थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल, सेकेंड रॉम्बस और तीसरा स्क्वायर। ये तीनों को तीनों पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, क्योंकि ये एक तरह के पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो रेक्टेंगल होता है और पैरेललोग्राम विद एंगल्स 90 डिग्री। तो यहाँ देख सकते हैं कि एवरी एंगल इज इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री। इसके प्रॉपर्टीज हैं कि ये इसके इक्वल डायगोनल्स होते हैं। अगर हम इसके डायगोनल्स बनाते हैं तो वो इक्वल होंगे। अब आते हैं रॉम्बस पे। रॉम्बस में सब की सब साइड्स इक्वल होती हैं। अब पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं बना दिया जाए, पर स्पेशल बात है कि 90 डिग्री पे करते हैं। अब स्क्वायर है जो रेक्टेंगल रॉम्बस पैरेललोग्राम तीनों की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल। सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं जैसे रॉम्बस में था। यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं लाइक रेक्टेंगल, और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे लाइक रॉम्बस। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। तो यहाँ पे थ्योरम 8.1। इन अ पैरेललोग्राम अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं इन अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे, कोई भी पैरेललोग्राम जैसे ए बी सी डी। अब उसके डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे लिखा है डायग्राम, तो यहाँ डायग्राम बना लेंगे। बाइसेक्ट्स, तो डायग्राम उसको बाइसेक्ट करना चाहिए इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब इसको कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर बी डी बाइसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी को, तो ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी।
तो इसको प्रूफ करते हैं। गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी से बात है, टू प्रूफ ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी हमने बता ही दिया है। अब प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंड बीसीडी, ट्रायंगल एबीडी और बीसीडी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें पता है कि एसी इज पैरेलल टू एडी और बाद में एडी इज अ ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बाद में BD इज इक्वल टू BD कॉमन है, यहाँ दिख भी रहा है कि कॉमन है। बाद में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पे AB और CD पैरेलल है और BD एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले एंगल इक्वल है, बाद में साइड इक्वल है, बाद में एंगल इक्वल है, इसलिए ASA कॉन्करेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूफ होते हैं, इसलिए हमारी 8.1 थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अब हम देखेंगे थ्योरम 8.2। तो यहाँ पे पूछा गया, अब यहाँ पे बोला गया है इफ योर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमने पहले बता रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन ईच पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, ईच पेयर जो है ऑपोजिट साइड का इक्वल होगा, हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि AB विल बी इक्वल टू CD और BC विल बी इक्वल टू AD। तो हम साफ साफ कहेंगे ये प्रूफ करने के बाद कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, ये हमें पहले प्रूफ करना होगा अगर हमें पूछा जाएगा ये लिखने के लिए। तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हिसाब से CBCD के हिसाब से साइड BC विल बी इक्वल टू AD और AB विल बी इक्वल टू CD, यही हमसे पूछा गया था इस थ्योरम में। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम 8.3। ये 8.2 का कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट सिचुएशन रखने वाला। तो यहाँ पे बोला गया है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पेयर जो पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू CB, तो वह पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूफ करने के पैरेललोग्राम है। तो हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD और AB इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब टू प्रूफ मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ डायगोनल AC। अब प्रूफ में आता है इन ट्रायंगल ABC, ये वाले ट्रायंगल में, और इन ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू CB, ये गिवन है कि ये वाला इसकी इक्वल है। बाद में DC इज इक्वल टू AB, ये वाली साइट इसकी इक्वल है। हमें AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन है, इसलिए SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ABC और ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि CPCD के रूल से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कन्वर्स से AB will be parallel to CD, और इसी तरह side AD will be equal to side CD. Similarly, BC will be equal to AD. इसलिए ABCD एक parallelogram है, because both pair of opposite sides of a parallelogram are equal. यह हमें पता है, हमें पहले पढ़ लिया था। अब बढ़ते हैं थ्योरम 8.4 पे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमें पैरेललोग्राम दे रखा है यहाँ पे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है। तो बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूफ करना है, और एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। तो हम यहाँ साफ साफ लिखेंगे फ्रॉम 8.1 ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD, ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आगे है इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हमें एंगल 2 विल बी आल्सो इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCD रूल से। इसलिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो यहाँ पे बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद तो ये आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ABC, एंगल ABC, ये वाला, ये पूरा विल बी इक्वल टू एंगल ADC, ये।
और यही मैं प्रूफ करना था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, सिमिलरली एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, यह प्रूव हो गया। अब आते हैं हम थ्योरम 8.5 पे, ये इसकी फिगर ही थी, दोनों सेम थे। थ्योरम 8.5 में दे रखा है कन्वर्स ऑफ 8.4, 8.4 का कन्वर्स है, ऑपोजिट है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। अब ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, ईच पेयर है मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दे रखा है हमें, हमें प्रूफ करना कि वो पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये पहले से बता रखा है। प्रूफ करना है एंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब आप साफ सी बात कहेंगे कि ए बी सी डी ये सब की सब साइड 360 डिग्री है, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम 360 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ पे हम एंगल डी की जगह एंगल बी रख देंगे, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ पे ए की जगह सी की जगह ए रख देंगे, तो हो जाएगा टू एंगल ए प्लस टू एंगल डी, ठीक है, ये दोनों आ गए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे डबल है तो हम टू कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी 180 × 2 = 360 होता है, तो यहाँ से 2 कट गए दोनों, और आगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसलिए एंगल ए बी इज पैरेलल टू एंगल सी डी, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। वे को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम की खासियत ये है कि जब वो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और ए डी एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए ए और डी अगर दोनों को ऐड करा जाए तो 180 डिग्री बनेगा, और हमने वही प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। अब बढ़ते हैं थ्योरम 8.6 पे। थ्योरम 8.6 कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेट टू ईच अदर, तो यहाँ पर डायगोनल्स है हमारे पास ये वाला ए सी और बी डी, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, टू प्रूफ बता ही दिया है। अब देखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल, मतलब जो ऑपोजिट है ट्रायंगल्स हो उन दोनों में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा, इसका साफ सा रीजन है DC इज पैरेलल टू AB एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, DC AB के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट है। अब AB इज इक्वल टू CD, ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहले से पता है कि पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव होगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और डी बी या फिर बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए यहाँ पे ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से ए ओ बी ये वाला और ये वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सी बी सी डी से ये हम बता सकते हैं कि ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ओ डी ये वाला इज इक्वल टू ओ बी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हैज प्रूव्ड। अब थ्योरम 8.7, ये 8.6 का कन्वर्स है, तो डेफिनेटली हमसे ही पूछा जाएगा इफ द ट्रायंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर that it is a parallelogram, तो यहाँ पे बोला गया है कि diagonals bisect करते हैं, हमें पहले से बता दिया गया है कि ये दोनों bisect करते हैं equally, तो वो parallelogram है। तो देखते हैं इसको proof कैसे करेंगे। Given है OB is equal to OD, तो OB is equal to OD और OA is equal to OC, OA is equal to OC, ठीक है, प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और मतलब ये पैरेललोग्राम है। प्रूफ देखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए
और OCD, OBA, OCD, मतलब ये जैसे हमने पहले ऊपर यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स लिए थे, वैसे यहाँ पे भी वही ट्रायंगल्स लेंगे। OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA, हमें बता रखा है कि डायगोनल्स पर सेट करते हैं, गिवन है, यहाँ लिख देंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनसे बने हुए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये लिख देंगे बाद में, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों इक्वल है, पता है हमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बता रखा है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये रहा एंगल 5, ये रहा 6, और ये रहा एंगल 1 एंगल 2, ये सब इक्वल हो जाएंगे, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगे, और साथ ही साथ AD विल बी पैरेलल टू CB क्योंकि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बोथ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आते हैं थ्योरम 8.8 पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में आती है ये। यहाँ पे बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल तभी होगा पैरेललोग्राम अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ ऑपोजिट साइड्स ले लें CD, ये वाली साइड, और AB मतलब ये वाली साइड, अगर ये इक्वल और पैरेलल है तभी ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड और दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल है, ये हमें बता रखा है। हमें प्रूफ करना है कि ये पूरा फिगर क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ देखते हैं, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, हम यहाँ पे AC बना लेंगे डायगोनल, और ये ट्रांसवर्सल कितना काम करेगा, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल दिस, बिकॉज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD, ACD ये वाला ट्रायंगल है, वामे ABC ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, सबसे पहले हमें ये बता रखा है, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी हमें हमने प्रूफ करा फ्रॉम 1, ये भी हमारी फर्स्ट की क्वेश्चन है। AC इज इक्वल टू AC, हमें पता ही है कि जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो AC मतलब बीच का जो कॉमन चीज है वो बड़ी डाली पड़ती है, तो यहाँ पे कॉमन है AC, इसलिए SAS मतलब S मतलब ये वाली साइड्स, हमें A हमें S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसलिए एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये वाला एंगल DAC, एंगल 4 विल बी इक्वल टू ACB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए AD विल बी पैरेलल टू BC, ये वाला इसके पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसलिए AD विल बी पैरेलल टू BC, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें बताते हैं कि CD और AB पैरेलल है, हमने भी प्रूफ कर दिया कि AD और AB पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम है। अब आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, तो पढ़ते हैं इन अ ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले इसको मतलब अलग अलग पोर्शन में बांट देंगे स्टेटमेंट को, इन अ ट्रायंगल, तो हम कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे ABC, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, हमें बोला गया एनी टू साइड्स, इसलिए हम उठा लेते हैं यहाँ पे ABC ट्रायंगल में AB और AC के मिड पॉइंट्स, और उनको D और E मान लेते हैं। अब बोला गया है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है और हाफ ऑफ थर्ड साइड, मतलब DE के पैरेलल होगा BC, हमें प्रूफ करना है कि BC के पैरेलल DE है और DE इज इक्वल टू BC, मतलब अगर इसको दो बार बनाया जाए, इसको दो बार बनाया जाए तो तब जाके ये बनती साइड, इसलिए DE इज इक्वल टू हाफ BC। अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा, गिवन ट्रायंगल ABC, ABC और AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD क्योंकि मिड पॉइंट है, तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, और बाद में AE इज इक्वल टू CE, हमें पता है AE इज इक्वल टू CE, AB E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूफ
DE इज इक्वल टू BE, DE इज पैरेलल टू BC, मतलब ये वाली साइड इज पैरेलल टू DC प्रूव करना है, और DE इज इक्वल टू हाफ BC, DE इज इक्वल टू हाफ BC, मतलब अगर BC का आधा करा जाए तो DE बनता है, ये प्रूव करना है कि DE इज इक्वल टू हाफ BC। कंस्ट्रक्शन होगी थ्रू C, ड्रॉ लाइन CF व्हिच इज पैरेलल टू AB, तो यहां से C में ऐसी लाइन बनानी है जो AB के पैरेलल हो, और DE को मीट करे प्रोड्यूस एट F, DE को मीट करे प्रोड्यूस एट F, तो मतलब यहां से इसको प्रोड्यूस करना है। अब देखते हैं कि इसको कैसे मतलब प्रूफ करेंगे। इसमें है इन ट्रायंगल ADE और CFE, ADE CFE, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिख रहा है एंगल 1 एंगल 2, तो ये इक्वल इसलिए है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, लाइन दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा हुआ है। पामे AE इज इक्वल टू CE, हमें पता है कि मिड पॉइंट है, हमने पहले से गिवन है, ये गिवन बात है कि AE इज इक्वल टू CE। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अच्छा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CF और AC इज ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए ASA कॉन्करेंसी रूल से ADE कॉन्करेंट है CFE के, ठीक है, ये दोनों कॉन्करेंट प्रूफ हो गए ASA से। अब कॉन्करेंट है तो हमें पता है कि कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल से AD ये हो गया, ये उसका बेस है ट्रायंगल ADE का, AD इज इक्वल टू CF, CF इसका बेस है CEF का, ये मतलब ये लाइन इसकी इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली इसकी दोनों इक्वल होगी, और DE इज इक्वल टू EF, हाँ तो ये वाला इसकी इक्वल है और ये वाला इसकी इक्वल है, ठीक है, AD ये वाली लाइन इसकी इक्वल है और ये वाली लाइन इसकी इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब आगे हमें पता है कि AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD हमें पता था कि मिड पॉइंट है तो वो उसको करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD एंड AD इज इक्वल टू CF, इसलिए BD इज इक्वल टू CF, यहाँ पे देखते हैं समझने के लिए, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो BD इज पैरेलल टू CF, BD पैरेलल है CF के, इसलिए मतलब BD इक्वल भी है CF के और BD पैरेलल भी है, और हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होता है, ट्रायंगल कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम में किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो ऑपोजिट पेयर की साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, और हमने यही प्रूफ कर दिया है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, इसलिए DF इज पैरेलल टू BC, DF ये वाला पूरा का पूरा इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की साइड ये एक मतलब वो है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डीजे लिख देंगे। अब हमें ये भी पता है कि अगर ये तो नहीं इक्वल है, DF इज इक्वल टू BC, हमें पता है DE प्लस EF इज इक्वल टू DF और DE इज इक्वल टू EF, इसलिए 2DE, DE का डबल हो जाएगा अगर इन दोनों को प्लस करा जाए तो इसका डबल हो जाएगा, इसलिए 2DE इज इक्वल टू BC, BC ये रहा नीचे, इसलिए DE D के 2 को अगर हम उस तरह भेज देंगे तो बन जाएगा DE इज इक्वल टू हाफ BC, यही हमें प्रूफ करना था। अब आगे देखते हैं थ्योरम 8.9, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमें पहले ही हमने यहाँ कर लिया है, थ्योरम 8.10 है, कन्वर्स है मिड पॉइंट की, इसको बस हमें स्टेटमेंट याद करनी है, इसका प्रूफ नहीं आता एग्जाम्स में। इन अ ट्रायंगल और लाइन, यहाँ पे एक लाइन वो गलती लिख दिया, और लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यहाँ पे बोला गया है कि अगर समझो यहाँ पास ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ये लाइन है और इसका ये यहाँ पे डी है मिड पॉइंट ए बी का, तो यहाँ पे और ये इसके पैरेलल है तो ये और ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब एंगल ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें यहाँ पे बोला गया कन्वर्स में, इसका मतलब ये है कि इफ ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी
एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है, तो AE इज इक्वल टू CE, ये वाला और इसके इक्वल होके। इसी के साथ खत्म होता है। उसके बाद 3 मोर पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, कवरिंग 2 एक्सरसाइजेस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फील फ्री टू डिसलाइक एंड लीव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू।